9 जनवरी 2022 को थाना बादलपुर द्वारा एक बहुत सफल ऑपरेशन के अंतर्गत एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो छोटी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाते हैं और फिर पैसे के लिए उन्हें अपने से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्तियों से शादी के लिए बेच देते हैं। 26 दिसंबर 2021 को थाना बादलपुर के क्षेत्रांतर्गत छपरौला की निवासी एक महिला द्वारा थाने पर शिकायत दी गई थी कि उसकी 12 वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और वहां से लापता हो गई है। ये सूचना मिलने पर तुरंत थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से बच्चे की तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के दौरान यह चीज सामने आई कि शायद एक गिरोह कार्यरत है जिसमें महिलाएं भी सदस्य हैं और कोई महिला ही बच्चे को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गई है और उसको हरियाणा में एक जसवीर नामक 52 वर्ष के आदमी को शादी करके 70,000 रुपए में बेच दिया गया है। इस गिरोह का खुलासा जब हुआ तो इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं एवं जसवीर जिससे उस बच्चे की शादी की गई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह को मूल रूप से रोहतक हरियाणा में ही संचालित पाया गया है लेकिन ये अन्य स्थानों से भी बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। इसमें और 5 अभियुक्तों के भी नाम सामने आए हैं जिनके बारे में ठोस सुराग पुलिस को प्राप्त हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जो 363 का मुकदमा बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में पहले पंजीकृत किया गया था उसमें विभिन्न अब और धाराएं बढ़ा दी गई हैं और सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।